हेलो स्टूडेंट्स, जे एस एस सी एजुकेशन आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक मैथ्स का थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस टाइप का नंबर का कैलकुलेशन हम लोग घड़ी देख के सिर्फ 3 सेकंड के अंदर कैसे कर पाए। पेन पेपर भी यूज नहीं करेंगे इसमें हम लोग। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स को फील करना चाहते हैं कि मैथ्स क्या है, अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहां पे परसेंटेज का वीडियो अपलोडेड है, वैदिक मैथ्स का 1, 2 और आज तीसरा लेक्चर है। आप उसको देखें, आपको बहुत मजा आएगा मैथ्स। आप मैथ्स फील करने लगोगे मैथ्स क्या चीज है, आपको मैथ्स से कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन बताया था, लेकिन अब मल्टीप्लीकेशन एक एडवांस टॉपिक हम लोग पढ़े, इसमें से हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे कि उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का स्पेशल केस में है कि ऐसे नंबर जो 100 के क्लोज है उसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग तुरंत कैसे 2 सेकंड के अंदर कर ले, वो हम लोग आज देखेंगे। नंबर क्लोज टू 100 मीन्स क्या होता है? ऐसे नंबर जो 100 से नजदीक है, तो वो 100 से कम भी हो सकते हैं और 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो 100 से कम होंगे, जैसे 97, 95, 96, 99, ये 100 के नजदीक है लेकिन 100 से कम है। 102, 106, 103, 105, ये 100 से ज्यादा है लेकिन 100 के नजदीक ही है। तो अगर 100 है यहाँ पे, तो इसके इधर इधर आने वाले नंबर भी 100 के नजदीक है और इसके नंबर आने भी 100 के नजदीक है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि वैसे नंबर जो 100 के नजदीक है उनका हम लोग मल्टीप्लीकेशन तुरंत कैसे कर लें। तो हम लोग इसमें पहले देखेंगे कि जो कम है उसको कैसे करें और जो ज्यादा है उसके बाद उसको कैसे करें। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 96 से। तो ये जो है नंबर क्लोज टू 100 भी है और ये लेस देन है 100 के। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे क्लोज टू, इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे, दो पार्ट में आंसर हम लोग लाएंगे। पहले लास्ट टू डिजिट का आंसर लाएंगे और फिर फर्स्ट टू डिजिट का आंसर लाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये नंबर जो है 100 के क्लोज है तो देखना पड़ेगा सबसे पहले कि 96 100 से कितना कम है। ये -4 कम है, ये भी -4 कम है। ठीक है, अब क्या करना है कि लास्ट टू डिजिट कैसे निकलेगा, ये जो कम वाला आया है इसको मल्टीप्लाई करने से लास्ट टू डिजिट निकलेगा, मतलब 4 × 4 मतलब 16 लास्ट टू डिजिट मेरा आंसर आ गया। मतलब अभी तक हमें पता चला है कि जो भी आंसर हो गया उसका लास्ट में 16 आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग पहला 2 डिजिट का आंसर निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, नंबर कम है 4, तो जो भी नंबर हम लोग को निकालना है, जैसे 96 का निकालना है तो 96 में हम लोग 4 घटा देंगे, तो 96 में 4 घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 92। तो इसका आंसर हो गया 9216 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो 97 है और ये 100 के नजदीक भी है और 100 से कम है, सेम केस है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या था, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे ये कितना कम है, ये 3 कम है 100 से, ये भी 3 कम है 100 से, इसको गुना कर देंगे मेरा लास्ट टू डिजिट निकलेगा। इसको गुना करने पे ये 9 आ रहा है, लेकिन हमको तो बोला गया कि लास्ट टू डिजिट होना चाहिए, तो टू डिजिट होने के लिए यहाँ पे इसको हम लोग 0 बैठा देंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब सेम करना है कि 97 में कितना घटा देंगे हम लोग, 3 घटा देंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 94। इसका आंसर आ गया 94.09 आंसर। क्लियर है, अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि 100 के नजदीक है लेकिन 100 से ज्यादा है। तो ये मेरा मैंने 103 का एग्जांपल लिया है, तो सबसे पहले देखना है ये ज्यादा है कितना ज्यादा, तो ये +3 ज्यादा है और ये भी +3 ज्यादा है। सेम ट्रिक अप्लाई होगा इसमें कि पहले लास्ट टू डिजिट निकालेंगे फिर फर्स्ट टू डिजिट निकालेंगे। तो लास्ट टू डिजिट कैसे निकलेगा, 3 ज्यादा था ये भी 3 ज्यादा था, गुना कर दो इसको, 9 आ गया, लेकिन हमको पता है कि लास्ट टू डिजिट चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 बिठा देंगे। ठीक है, अब उसमें क्या करते थे, जो नंबर कम रहता था तो उसमें घटा देते थे। ठीक है, लेकिन ये नंबर ज्यादा है प्लस है तो 103 हम लोग +3 कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 106। तो इसका आंसर आ गया 10609। तो ये आज का ट्रिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले ट्रिक के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर अगर आपको किसी चीज़ का ट्रिक चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पर लेसन बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।